नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका छोटी सी किचन में। चिकन 65 बनाने में नहीं होगी कोई गड़बड़ी। अब एक ही बार में बनने वाली है चिकन की ये रेसिपी, क्योंकि हम बनाएंगे इसे सबसे सरल, बहुत सारे ट्रिक्स और आसान से स्टेप्स फॉलो करके। चलिए शुरू करते हैं। चिकन 65 बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला है चिकन की मैरिनेशन, दूसरा चिकन को फ्राई करना और तीसरा है चिकन को तड़का लगाना। तो पहला स्टेप फॉलो करने से पहले हम देख लेते हैं मसालों की मेजरमेंट चम्मच से, क्योंकि बिगनर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच और इसी चम्मच से हम मसालों की मेजरमेंट करेंगे। जब हम दाल वगैरह रखने के लिए डिब्बा खरीदते हैं तो बड़ा डिब्बा के साथ बड़ा चम्मच और छोटा डिब्बा के साथ छोटा चम्मच मिल जाता है। बड़ा वाला चम्मच में लिखा होता है 1 TBSP, इसका मतलब है 1 टेबल स्पून, और छोटा वाला चम्मच में लिखा होता है 1 TSP, इसका मतलब है 1 टीस्पून। इसके अलावा खाना खाने वाले चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए खाना खाने वाले चम्मच में समतल भरा हुआ 1 चम्मच होगा 1 टीस्पून और 2 चम्मच होगा 1 टेबल स्पून। इसके अलावा आप ये भी ले सकते हैं, इसमें चम्मच के साथ कप भी होता है जिसमें मेज़रमेंट लिखा होता है और इसमें 8 पीस होती है। मैंने इसे अमेजोन से लिया था और इसकी कीमत बहुत कम होती है। तो आई होप आपको चम्मच की मेज़रमेंट समझ में आ गई होगी। और ये हो गई हमारी सामान्य जानकारी। और अब चलते हैं चिकन 65 के फर्स्ट स्टेप में। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन। बोनलेस का मतलब है बिना हड्डी का चिकन, मतलब सिर्फ मांस। इसे छोटे छोटे क्यूब में काट लेंगे। क्यूब में चिकन का पीस देखने में सुंदर लगती है। यहाँ मेरे पास 1 किलो चिकन था और हमारे लिए तो 1 किलो चिकन ज़्यादा हो जाता, तो मैंने क्या किया, इसी में से जो बोनलेस चिकन था उसे निकाल कर चिकन 65 बना दिया और बाकी को चिकन करी। और यदि अलग से बोनलेस चिकन खरीदते तो बंदा पैसे भी ज़्यादा लेता। तो बन गया ना देसी जुगाड़, कम खर्च में 2 डिश, चिकन 65 और चिकन करी। वैसे चिकन करी का रेसिपी आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही होगा, यदि नहीं तो वीडियो के अंत में आ जाएगा, चाहो तो देख सकते हो। और ये कर लिए हमने चिकन के पीसेस। इसे धोकर पानी को अच्छे से निकाल लिया है, क्योंकि अधिक पानी की वजह से चिकन और मसाले अलग अलग हो जाएंगे और उसे मेंटेन करने के लिए हम आटा डालते जाएंगे और हमारा चिकन 65 बन जाएगा चिकन पकौड़ा। और अब चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, काफ़ी सारा अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून लिया है, और 2 टीस्पून मतलब 1 टेबल स्पून दही। इन सब को अच्छे से मिला लेंगे जिससे मसाला को चिपकने में आसानी होगी। और अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। चिकन 65 में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सब को भी अच्छे से मिला लेंगे। और अब कोटिंग के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। यदि कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और 3 टेबल स्पून डालेंगे इसमें मैदा। इसके साथ डाल देंगे 1 टीस्पून तेल और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। और अब डालेंगे इसमें 1 अंडा। अंडा डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे ज़रूर डालना। अंडे को बहुत अच्छे से मिलाकर इसे रख देते हैं 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने। वैसे आप इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन यदि चिकन के अंदर तक मसालों का फ्लेवर लाना है तो इतना इंतज़ार तो कर ही सकते हैं। और यदि घर में फ्रिज हो तो इसे फ्रीज़र में ही रखना, इससे मसाले बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। और यदि कोई मेहमान आने वाला हो तो आप इसे 2-3 घंटे पहले भी मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख सकते हैं, और जब भी मेहमान आ जाए तो 5 मिनट में इसे फटाफट बनाकर गर्मा गर्म सर्व कर लीजिए। 1/2 घंटे बाद चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। और अब चलते हैं स्टेप 2, चिकन को फ्राई कर। मीडियम गर्म तेल में टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे। इनमें बुलबुले आने लगे तो इसका मतलब चिकन हमारा तेल में जाने के लिए तैयार है। और एक एक करके चिकन पीसेस को डाल देंगे, लेकिन कढ़ाई में ज़्यादा पीसेस एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे पीसेस एक दूसरे से चिपकने लगेंगे।
और अब इसे हल्के हाथों से चलाएंगे और जो चिपका हुआ पीस है उसे चम्मच के सहारे अलग कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई होने में 2 मिनट का समय लग जाता है और फिर इसे प्लेट में निकालने के बाद बाकी चिकन को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। वैसे तो एक ही बार में फ्राई करके निकाल सकते हैं, लेकिन रेस्टोरों वाले क्या करते हैं, पहले चिकन को मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेते हैं जैसे हमने किया है और फिर तेल का टेम्परेचर हाई करके फिर से उसे फ्राई कर लेते हैं। इससे चिकन अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची बनता है। सभी चिकन फ्राई हो चुका है और अब रेस्टोरों वाले स्टाइल में तेल का टेम्परेचर कर लेते हैं हाई पर और उसी गरम गरम तेल पर सभी चिकन को एक साथ डाल देंगे और जल्दी जल्दी चलाकर तुरंत इसे निकाल लेंगे। और अब चलते हैं तीसरे और लास्ट स्टेप चिकन को तड़का लगाने में। तो इसके लिए हम बना लेंगे सबसे पहले सॉस। सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून रेड चिली पेस्ट, 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 2 टीस्पून दही और 2 से 3 बूंद फूड कलर। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च और फूड कलर इन दोनों में से एक चीज़ डालना ज़रूरी है, नहीं तो चिकन 65 का कलर अच्छा नहीं आएगा। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए होगा 5-6 करी पत्ते, 4 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन, 1 छोटा अदरक और 2 लाल मिर्च। हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा लिया है, अदरक लहसुन को भी फाइनली चॉप कर लिया है और लाल मिर्च को बीच से तोड़ लिया है। अब दूसरा पैन गरम करने के लिए चढ़ा देते हैं और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बटर। और अब शुरू होगी हाथों की एक्सरसाइज, क्योंकि इसके बाद की जो प्रोसेस है चम्मच से लगातार चलाते रहना है, क्योंकि अब करेंगे गैस को हाई फ्लेम पर। जैसे ही बटर मेल्ट होने लगे अदरक लहसुन करी पत्ते सभी चीज को डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। जब अदरक लहसुन से अच्छी खुशबू आने लगे तब इसमें डाल देंगे बनाया हुआ सॉस और इसे भी लगातार चलाते हुए मैंने डाला है इसमें 1/2 टीस्पून नमक, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद डाल देंगे फ्राई किया हुआ चिकन और चिकन को सॉस के साथ अच्छे से मिला लेंगे। लगातार इसे 30 सेकंड तक चलाते रहेंगे जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए और गैस बंद करके तुरंत ही इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे, नहीं तो कढ़ाई में ये जल जाएगा। और ये बन गई हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन 65। तो आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।